where we met. I can tell by your smile. दोस्तों, मेरा नाम मोहित पांडे है और आज हम वीडियो एक अपलोड करेंगे। एंड वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टडी प्लान, कि किस तरीके से हम अपनी स्टडी करें, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन काफ़ी सारी समस्याएं हैं स्टूडेंटों के सामने भी। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 6 से लेकर 12 तक के, सबके सामने एक समस्या है कि कैसे अपना सिलेबस तैयार करें या कैसे हम चीज़ों को पढ़ें। तो उसको लेकर के आज मैं अपना एक स्टडी प्लान लेकर के आया हूँ कि मतलब किस तरीके से चीज़ों को पढ़े। बेसिकली ये हर क्लास के लिए मेरा है, लेकिन जो मेन फोकस है ये है 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आ कर के, क्योंकि जब वो 12th क्लास को स्टूडेंट के ऊपर लेकर के हम इन सारी चीज़ों को बात करेंगे, ज़्यादा फोकस 12th क्लास के स्टूडेंटों के ऊपर ही होगा। तो स्टडी प्लान में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे जो एक अपना जो सिलेबस है उसको हम कैसे कवर अप करें। तो मेन बात बात करते हैं हम 12th क्लास के ऊपर लेकर के कि कैसे क्या। उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिस तरीके से कि 2016 में मैंने भी अपना 12th पास किया था और आर्ट स्ट्रीम का मैं स्टूडेंट हूँ और 86% मेरा स्कोर हुआ था 12th क्लास के अंदर। तो उस चीज़ को लेकर के और जितना भी मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और समझने की आप लोग भी कोशिश करिएगा। तो बात करते हैं हम सब्जेक्ट को लेकर के, 12th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, या ज्योग्राफी हुआ, या इंग्लिश हुआ, या हिंदी हुआ, या और भी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनको हम कैसे कम समय में जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करें। क्योंकि जितनी जल्दी हमारा सिलेबस पूरा होगा उतनी ही जल्दी हमारा रिवीजन होगा। उससे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर के। पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री को लेकर के कि 12th क्लास में हिस्ट्री जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि जो हिस्ट्री हुआ 12th क्लास के अंदर, या जो पॉलिटिकल साइंस हुआ, या जो ज्योग्राफी हुआ, या फिर जो आपका हिंदी हुआ, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और जितना ज़्यादा हम इनको पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अपने पास्ट के बारे में भी पता चलेगा और सोसाइटी के बारे में भी पता चलेगा और आने वाले समय में हम जागरूक भी होंगे। तो हिस्ट्री को लेकर के आज हम बात करते हैं। पहले हिस्ट्री को लेकर के कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। तो हिस्ट्री में जैसे कि 3 किताबें हैं, 3 बुक्स हैं हिस्ट्री में 12th क्लास में, और जो पहली बुक है और वो रिलेटेड है एंशिएंट हिस्ट्री से, जिससे प्राचीन भारत से, फर्स्ट बुक। प्राचीन भारत से, जिसमें शुरू में 4 चैप्टर रहेंगे। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री 12th क्लास में ही अब देखते हैं कि प्राचीन 12th क्लास में पता चलता है कि हिस्ट्री मतलब, वैसे तो अगर देखा जाता है हिस्ट्री जो है हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है। 6th में भी हम पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 12th क्लास में आते हैं उसी चीज़ को हम थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाता है, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन जो एक जैसे जैसे दिमाग विकसित होता है बच्चे का, उसी तरीके से चीज़ें भी बड़ी कर दी जाती हैं। तो जो हिस्ट्री की जो पहली बुक है 12th क्लास की, वो है हमारी प्राचीन भारत से रिलेटेड। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, उसमें जैसे पहला चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है मगध से रिलेटेड, फिर तीसरा है आपका रामायण और महाभारत से रिलेटेड है, फिर चौथा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। इस तरीके से इन सब का अलग अलग टाइमिंग पीरियड हैगा। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत हमारा कहाँ से शुरू होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो कहते हैं 12th क्लास के अंदर प्राचीन भारत जो स्टार्ट है वो हड़प्पा सभ्यता से इन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो प्राचीन भारत जो है हमारा ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, फिर नवपाषाण युग इस तरीके से शुरू होता है और आ करके अंत में हमारा, अलग अलग इतिहासकारों का मत उस पर मत है, और 700 से 800 ईस्वी तक वो कंप्लीट अपना प्राचीन भारत होता है। अगर फिर बात करते हैं हम दूसरी बुक की, कि जो सेकेंड बुक है, सेकेंड बुक देख बेसिकली रिलेटेड है मध्यकालीन भारत से।
जिसमें पहला चैप्टर है हमारा यात्रियों के नज़रिए। इस तरीके से जो सेकंड बुक है वो मध्यकालीन भारत से संबंधित हैगी, और पहला चैप्टर हमारा यात्रियों के नज़रिए से संबंधित है। इसमें अगर मध्यकालीन भारत का अगर हम इतिहास देखते हैं तो जो इसका टाइमिंग पीरियड बताया जाता है वो 1206 से लेकर के 1707 तक का, ये जो पूरा का पूरा टाइमिंग पीरियड बताया जाता है ये मध्यकालीन भारत का आएगा। लेकिन यहाँ पर भी इतिहासकारों के बीच में अलग अलग मतभेद होता है। कुछ इतिहासकार इसको अलग टाइम देते हैं, कुछ इतिहासकार इसको अलग टाइम देते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें देखना है कि जो चीज़ें हमारी किताब में हैं हमें उन चीज़ों को पढ़ना है, और वही चीज़ें ठीक तरीके से हमें समझनी और आगे एग्ज़ाम में उन्हीं चीज़ों को लिखना है। 1206 से 1707 तक का इसमें जो पूरा टाइमिंग पीरियड है, इसमें जो दो चीज़ें हम देखने को मिलती है, पहला हमारा जो सल्तनत काल है पूरा का पूरा, इसमें 5 वंश है, 5 डायनेस्टी है, और उसके बाद जो पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर रहेगा, उस मुग़ल एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं। और लगभग लगभग इन दो चीज़ों को कवर अप करने के बाद पूरा का पूरा हमारा जो मध्यकालीन भारत हैगा वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो इस तरीके से जो 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका जो सेकंड बुक है वो स्पेशली रिलेटेड है मध्यकालीन भारत से, जिसका टाइमिंग पीरियड 1206 से 1707 तक का। पहला चैप्टर जैसे उसमें दे रखा है यात्रियों के नज़रिए है, अल्ब्रूनी है, फिर आपका इब्न बतूता है, फ्रांसवा बर्नियर है, इन सारे यात्रियों के बारे में वर्णन है। फिर आपका आगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में बता रखा है, मुग़ल एम्पायर के बारे में बता रखा है, मुग़ल एम्पायर की जो इकोनॉमी होती है उसके बारे में बता रखा है, मुग़ल एम्पायर के जो सोशल होता है किस तरीके से उनकी सोसाइटी थी, या फिर किस तरीके से उनकी इकोनॉमी थी, किस तरीके से उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उन सारी चीज़ों के बारे में सेकंड बुक में बताया गया है। फिर जो थर्ड बुक रिलेटेड है आधुनिक भारत से, जैसे मॉडर्न इंडिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक होती है। और अधिकतर जो क्वेश्चन फंसते हैं, जितना मेरा भी अनुभव है, उस अधिकतर जो क्वेश्चन फंसते हैं वो आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहला जो प्राचीन भारत है और तीसरा जो आधुनिक भारत की बुक है, इनसे काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जो आधुनिक भारत का एक जो अलग पोर्शन होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक्स होंगे इसके अंदर और अच्छी सारी चीज़ें बताई गई हैं। आधुनिक भारत का जो टाइमिंग पीरियड को लेकर के अगर हम बात करें तो 1707 के बाद से लेकर के जितना भी लगभग लगभग 1947 तक, ये जो पूरा का पूरा टाइमिंग पीरियड हैगा हमारा, ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत से रिलेटेड हैगा, जिसमें किस तरीके से कंपनियां आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई या जो दूसरी अदर कंपनियां आई थी, किस तरीके से उन्होंने भारत में अपना डोमिनेट किया, और धीरे 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 सारी चीज़ें शुरुआत उनकी जो शुरुआती मंशा थी वो केवल व्यापार की दृष्टि से थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमी पर और जो सोशल के ऊपर किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, और फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से उन्होंने भारत के ऊपर शासन कर लिया। तो ये चीज़ें थी हिस्ट्री को लेकर के, एक जो छोटा छोटा सा जो बताया गया है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं जो 12th क्लास में जो दूसरा अहम बुक मानी जाती है आर्ट स्ट्रीम में, वो है पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, और जो मैं आगे भी अपनी सेकंड वीडियो अपलोड करूँगा वो पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा फर्स्ट बुक का, हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। लेकिन जो मेरा आज ये पहला वीडियो है तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं कवरअप करूँगा आने वाली वीडियो के अंदर, और धीरे 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 जल्द से जल्द अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे यहीं से ही। दोस्तों बात कर लेते हैं राजनीतिक विज्ञान को लेकर के, यानी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। चलो पॉलिटिकल साइंस, इस जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है इसमें लगभग लगभग दो बुकें होंगी। पहली बुक जो है वो रिलेटेड है हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, और जो सेकंड बुक है वो रिलेटेड है इंडियन पॉलिटिक्स से। यहाँ पर इस एक चीज़ देखने को क्या मिलती है कि जो सेकंड बुक हैगी वो लगभग 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 पूरी तरीके से रिलेटेड है हिस्ट्री की थर्ड बुक से, जो मॉडर्न इंडिया की बुक है। और लगभग जब हम हिस्ट्री की जो थर्ड बुक है मॉडर्न इंडिया को ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो लगभग पूरी तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की
ट्वेल्थ क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिक्स, वो पूरी तरीके से कवर हो जाती है, लगभग लगभग 70 से 80%। तो जो हमारी राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, उसमें जो पहली बुक है वो बताया है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैगी। तो उसमें किस तरीके से हम चीज़ें पढ़ें और किस तरीके से जल्दी अपना सिलेबस करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसी को आज मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जो सिलेबस में आता है, सिलेबस में जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है वो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आती है। लेकिन ट्वेल्थ क्लास का एक अपना अलग ही पूरी तरीके से चीज़ें होती हैं, वहाँ पर सीधा सीधा बोर्ड के मार्क्स काउंट होते हैं। तो इसी तरीके इस बोर्ड के मार्क्स काउंट होते हैं, तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रखते हमारे आने वाले टाइम में, या जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको लेकर के थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जैसे कि हमारे शुरू के जो तीन चैप्टर हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो शुरू का तीन चैप्टर है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैंगी, पूरी की पूरी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैंगी, पूरी की पूरी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और क्यूबा मिसाइल संकट है, शीत युद्ध के बारे में है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर हैं। तो जो शुरू के जो तीन चैप्टर हैं वो एक दूसरे से सारे के सारे संबंधित हैंगे। अमेरिका है, सोवियत संघ है, फिर आपका किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, नाइनटीन थर्टी नाइन से 1945, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट आपस में मतलब युद्ध करते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पूरे विश्व को लेकर के हमें पढ़ना है, ना कि सिर्फ एक देश को या फिर एक कंट्री को पढ़ना है। उसमें अमेरिका भी आएगा, उसमें सोवियत संघ भी आएगा, उसमें भारत भी आएगा, उसमें घाना भी आएगा, उसमें इंडोनेशिया भी आएगा, सारे देश आ जाएंगे। तो सभी को लेकर के हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ना है। तो फिर बात करते हैं सेकंड बुक को लेकर के, जो इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है वो पूरी तरीके से रिलेटेड हैगी जो हिस्ट्री की हमारी जो तीसरी बुक है आधुनिक भारत, वो पूरी संबंधित है उस किताब से। अगर हम लगभग आधुनिक भारत को या हिस्ट्री की जो हमारी थर्ड बुक है अगर उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो लगभग लगभग इंडियन पॉलिटिक्स का हमारा 70 से 75% हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम लेकर के बात करते हैं, तो किस तरीके से हमें विभाजन कंट्री के अंदर होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, या राष्ट्र जब हमारा देश स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर जो जो चुनौतियाँ आती हैं, जितने भी हमारे लीडर होते हैं उनके सामने जो 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 चुनौतियाँ आती हैं उनको लेकर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं, या फिर हमारा इकोनॉमी को लेकर के चुनौतियाँ हैं, या आर्थिक चुनौतियाँ हैं, या इतनी बड़ी कंट्री है कि उसका जनसंख्या को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से सभी लोगों को रोजगार दिया जाए, ये सारी चुनौतियाँ देखने को मिलती है। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं जो वर्ल्ड इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स के भी शुरू के जो तीन चैप्टर हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम ध्यान से हर एक चैप्टर को और पेशेंस के साथ पढ़ते हैं, तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा कि किस तरीके से सारे चैप्टर एक दूसरे से संबंधित हैंगे। और धीरे 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 जब उसी किताब को या उसी चैप्टर को आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, तो अपने आपकी एक खुद की समझ बन जाएगी उस चैप्टर को लेकर के, कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है और क्या हमें किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में कवर करना चाहता था लेकिन सारी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो जितना था उतना मैंने आपको बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना पहला चैप्टर लेकर के आऊँगा, और धीरे 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 सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, और जो भी मेरी त्रुटियाँ होंगी, जो भी मेरी गलतियाँ होंगी, या स्पीकिंग के दौरान, या फिर
जो अंदर हेजिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो जरूर बता देना प्लीज़। और थोड़ा सा लाइक और सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा और अपना इससे अच्छा बेहतर देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि मेरा खुद का अपना अनुभव है यार, महाराजा कृष्ण कॉलेज से मैंने भी अपना इंग्लिश लिटरेचर से किया हुआ है, सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, 12th में अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो पहले भी फॉर्मर स्टूडेंट्स का भी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह थी कि भैया कुछ वीडियो बना दी, तो ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा अपनी और सारी धीरे धीरे चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।